हेलो, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आठ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सेट टू है। दोस्तों, अगर आप सेट वन नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या आई बटन में लिंक लगा दिया हूँ, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी का मैं लगभग 300 ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाला। फेसबुक या इंस्टाग्राम को अभी फॉलो नहीं किए हैं तो जाकर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाकर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर हमेशा मैं अपलोड करता रहता हूँ सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन, बीने साइमन परीक्षण माप है। बीने साइमन परीक्षण माप है। एक नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है स हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण। दो नंबर क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार इनमें से कौन मन का गत्यात्मक मंडल है। दो नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है द हो जाएगा, उपाह। तीन नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। तीन नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ब हो जाएगा, धारण। चार नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मनोविकृति नहीं है। चार नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है द हो जाएगा, उन्माद। पाँच नंबर क्वेश्चन, परिवार किस समूह का उदाहरण है। पाँच नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है अ हो जाएगा, प्राथमिक। प्राथमिक जो है परिवार के समूह का उदाहरण है। छः नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संचार की विशेषता नहीं है। छः नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर द हो जाएगा, फलटावी। सात नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया है। सात नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है अ हो जाएगा, संप्रेषण। आठ नंबर क्वेश्चन, परामर्श में संबंध होता है। आठ नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है द हो जाएगा, सहायता परक। जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन कहलाता है। नौ नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है स हो जाएगा, पारिस्थितिकी। दस नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दस नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ब हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है स हो जाएगा, वास्तविक संज्ञान। बारह नंबर क्वेश्चन, पतंजलि का नाम संबंध है। बारह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ब हो जाएगा, योग से जो है पतंजलि का नाम का संबंध है। तेरह नंबर क्वेश्चन, डीएसएम प्रस्तुत किया गया है। तेरह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है स हो जाएगा, अमरीकी मनोरोग संघ द्वारा। चौदह नंबर क्वेश्चन, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है स हो जाएगा, मनोग्रस्ती वाहायता। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सा है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है स हो जाएगा, दलन। सोलह नंबर क्वेश्चन, किसे परामर्श कौशल का भाग नहीं माना जाता है। सोलह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है द हो जाएगा, सक्रिय सुनना। सत्रह नंबर क्वेश्चन, एक्रोफोबिया का अर्थ होता है। सत्रह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है स हो जाएगा, ऊंचाई से डरना जो एक्रोफोबिया का अर्थ होता है। अठारह नंबर क्वेश्चन, तनाव का धनात्मक पहलू है। अठारह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ब हो जाएगा, यूस्ट्रेस जो है तनाव के धनात्मक पहलू है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन, तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ब हो जाएगा, संज्ञान में परिवर्तन। बीस नंबर क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है। 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है स हो जाएगा, मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणे सय। 21 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किसने किया। 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है स हो जाएगा, बीने ने।
22 नंबर क्वेश्चन, टाइप ए तथा टाइप बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया है, टाइप ए तथा टाइप बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया है। 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ड हो जाएगा, फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन, फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन ने। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है, निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है। 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ब हो जाएगा, उपाह, उपाह। 24 नंबर क्वेश्चन, सांगिक वृद्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया, सांगिक वृद्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया। 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ब हो जाएगा, सैलोभी एवं मेयर ने, सैलोभी एवं मेयर ने। 25 नंबर क्वेश्चन, मनोविश्लेषण चिकित्सा संबंधित है, मनोविश्लेषण चिकित्सा संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ब हो जाएगा, फ्राइड से, फ्राइड से। 26 नंबर क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है, फ्राइड के अनुसार ऑडिप की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है द हो जाएगा, पिता के साथ, पिता के साथ। 27 नंबर क्वेश्चन, सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं हैं, सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ब हो जाएगा, तीन। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दैहिक विकार है, निम्नलिखित में कौन दैहिक विकार है। 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है द हो जाएगा, इनमें से सभी। अ हो जाएगा पीड़ा विकार, ब हो जाएगा काय औलबिकता विकार, स हो जाएगा परिवर्तन विकार, द हो जाएगा इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर जो है द हो जाएगा, इनमें से सभी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।